are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep and I can't fight it. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सुबह से उठे हुए हैं, नहा धोवा के सभी कोई रेडी हो चुके हैं और अभी निकलना है क्योंकि हम लोग का है 9 बजे ट्रेन और अभी बज रहा है 7। तो चलिए निकलते हैं बाहर से, इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बोले तो बहुत अच्छा लगा। वही आ रहे हैं, पापा को मैं बोली कि फिर हम लोग आएंगे और यहाँ का मतलब हर चीज़, मतलब खाना वगैरह बोलिए या फिर मार्केट बोलिए या फिर भगवान का जो मंदिर है वहाँ आरती के समय तो जो लगता है ना, मैं आप लोग से बता नहीं सकती, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए निकलूँगी और इस यहाँ के बारे में तो मैं हर वीडियो में ही बोलती ही रहूँगी। तो चलिए निकल के बाहर से इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर्यन लॉक कर रहा है मतलब रूम को, क्योंकि चाबी भी देना है। तो चलिए नीचे उतरते हैं। और यहाँ नीचे उतरते ही जिस आश्रम में थे हम लोग, उसका नाम था, यहाँ पे होटल नहीं बोल रहे थे वो लोग, बोल रहे थे आश्रम ही है, तो मैं भी वही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटो भी लगा हुआ है, तो इसी से चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और काफ़ी ठंड लग रहा था वही, वहाँ पे काफ़ी ठंड लग रहा था मुझे। और फर्स्ट वाले जो होटल में थे ना, तो उसका प्राइस था 500 पर डे और इसका था 600 पर डे। ठीक था, बहुत अच्छा था। ये सेकेंड वाला मुझे बहुत पसंद आया, आर्यन को भी पसंद आया और आर्यन के पापा को। तो चलिए चलते हैं, रास्ता तो बस बात करते ही निकल जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, मुझे पता चल रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी ठंड लग रहा है। तो चलिए उतरते हैं फिर स्टेशन पे, मतलब जाते इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, जर्सी डी जंक्शन आपका स्वागत है। देख सकते हैं और दोनों आगे चल रहे हैं। अच्छा है, टाइम से पहले पहुँच गए हैं। बाहर से स्टेशन देख सकते हैं, खूबसूरत लग रहा है, स्टेशन भी खूबसूरत होता है। स्टेशन देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है, त्रिशूल है, शंख टाइप का कुछ डिजाइन दिया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है ना देख के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल तो अभी हम लोग का ट्रेन में बहुत टाइम है, देखते हैं अंदर जाता है। स्टेशन पे आ चुके हैं और बैठे हैं, अभी काफ़ी भीड़ है, देखते हैं। तो ऐसे ही वेट करते हैं, तब तक कर भी नहीं कर सकते कुछ भी। और आर्यन तो बस फोन में ही लगा हुआ है और ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, बस वेट ही कर सकते हैं, तो करते हैं। तो ये यहाँ का लोकल ट्रेन, यहाँ का क्या हम लोग का अभी वेस्ट बंगाल का भी। तो चलिए इसके बाद ही हम लोग का ट्रेन आएगा, फिर आता है तो फिर अपना भी ट्रेन दिखाते हैं। वही बहुत है। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट ही है जिसमें हम लोग को बैठना है, जो ऐसे ही बुक किया है ना, तो एसी फर्स्ट ही है। ये ब्लू वाला ही हम लोग का बोगी है ये। तो चलिए चलते हैं, आगे जाना पड़ेगा। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। कौन सा सीट है हम लोग का? पहले हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं फर्स्ट क्लास। अभी आर्यन से मेरा झगड़ा चल रहा है क्योंकि विंडो सीट एक ही मिला है यहाँ पे, तो उसको भी बैठना है मुझे भी, तो मैं बोली थोड़ा सा मुझे बैठना है तो फिर तुम बैठना, ठीक है? तो ठीक है, ट्रेन खुलता है तो फिर दिखाते हैं। और आज मुझे मन है कि मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर मतलब ऑर्डर करूँ ट्रेन में, देखते हो पाता है कि नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं ट्राई, अगर हो जाएगा तो शेयर जरूर करेंगे आप लोगों के संग, शेयर करने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए ट्रेन खुलता है तो फिर दिखाते हैं। देखिए हम लोग का ट्रेन खुल चुका है, जय माता दी, जर्सी डी। चलते हैं फिर आएंगे ज़रूर यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मैं बता नहीं सकती, आप लोग हर वीडियो में सुनोगे, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। आर्यन को अभी ऐसे डेली बोल रहा था, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, घर जाना है, बट अभी आ रहा है तो बोल रहा है कि मम्मी आरती के समय रहते तो अच्छा लगता। सच में यार, आरती के टाइम में जो लग रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो भी। हम लोगों ने ऑर्डर किया है और क्या
ऑर्डर किया, रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हैं फाइनली हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर किया है यहाँ पे चिकन हांडी बिरयानी जो कि आएगा आसनसोल में, और टाइमिंग तो दिखा रहा 10:30 बजे ना, और यही है देख सकते हैं। तो चलिए ऑर्डर आएगा तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम किए हैं तो। और प्राइस भी आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, 200 है, 210 ना। चलिए आता है तो दिखाएंगे। सफर हमारा चल रहा है और ऑर्डर हो चुका है, देखिए कब तक आता है। वही 10:30 बजे का टाइमिंग तो दिया है वो आसनसोल में, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है। अच्छा है, अभी चार्ज का ज़रूरत नहीं है, होटल से निकलते वक्त हम लोगों ने कर लिया था तो। और एसी भी कम चल रहा है ना तो थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो भाई साहब देवघर में बहुत ठंडा था यार, सुबह सुबह बहुत ठंड लग रहा था, मुझे तो लग रहा था। तो चलिए फ़िलहाल आप लोग ऐसे ही बने रहिए, फिर हमारा ऑर्डर आता है तो दिखाएँगे। फाइनली तब तक कॉफ़ी आया तो कॉफ़ी ले लिया, लेस क्या नहीं था, ग्रीन वाला नहीं था ना, सोचे जब तक ऑर्डर आता नहीं तब तक थोड़ा लेस वगैरह खाते फिर बिरयानी अच्छा से खाएंगे। वही ना बहुत तुम्हारा ड्रामा, कुछ और नहीं खा सकते हो, ग्रीन लेस नहीं है तो रेड लेस में क्या हुआ है, अच्छा ही लगता है, बहुत नाटक है इसका बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिलहाल कॉफ़ी आ चुका है तो बस अच्छा ही होगा, ऐसे जाते समय पिए थे अच्छा ही था, 10 रुपये में और क्या चाहिए, बहुत मजाक उड़ाता है। ठीक है चलिए पीते हैं। अभी तो कॉफ़ी ख़त्म हुआ, वैसे ही आया है कचौड़ी, दिखाती हूँ ये खास्ता कचौड़ी जो कि सॉस के संग दिया हुआ है, कितना 20 रुपये दिए ना, तो 20 रुपये करके 2 पीस, अच्छा है, बड़ा भी है और स्वाद का नहीं बोल सकते, खाते हैं तो दिखाते हैं। काफी अच्छा है यार काफी। हम लोग का तो गाड़ी अभी लेट है तो ऑर्डर जो हम लोग ने किया है वो 11 बजे आएगा ना, तो 11 बजे आएगा तब तक वेट करते हैं। अभी फिर मैं जंगला के पास आ गई हूँ, आर्यन को भगा दी यहाँ से तो चले थोड़ा वेट करते हैं, जब आएगा तो दिखाएंगे। फाइनली हम लोग का ट्रेन अभी चितरंजन स्टेशन पे पहुंच चुका है, देख सकते हैं तो अभी टाइम तो लगने ही वाला है। तो चितरंजन स्टेशन पार हुआ है, उसके बाद से बहुत सारा स्टेशन आएगा बट ट्रेन वहां पे रुकेगा नहीं, और अभी मेरे को आ रहा बहुत ज़्यादा नहीं, पर देखते हैं, और आने वाला भी बिरयानी भी है तो सो नहीं सकते, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, बस टाइम ही पास कर रहे हैं। ये तो अपना कान में लगा के तो सॉन्ग सुन ही रहा है, और हम बस कभी सो रहे हैं कभी जंगला के बाहर देख रहे हैं। चलिए तब तक वेट करते हैं, आसनसोल आने वाला है और ऑर्डर भी हम लोग आने वाला है तो आता है तो मैं दिखाती हूँ, सीट पे ही देखे जाएगा तो यहीं पे देखे जाएंगे, तो चलिए अच्छा है आ जाएंगे तो यहीं पे दिखा दूंगी, तक स्टेशन का वेट करती हूँ। फाइनली हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, ये भैया ही लेके आए हैं, आर्यन और आर्यन के पापा नीचे चले गए थे और ये तब तक आ गए, फाइनली चलिए देखते हैं। ये हंडी बिरयानी हंडी में क्यों नहीं दिया, क्या ये ग्रेवी है पता नहीं, देखते हैं निकालिए देखते हैं। तो यही खा के देखो कैसा लग रहा है, चिकन है पहले देखो तो होगा, वही तो लग तो रहा। तो फाइनली तो खोजे थे चिकन तो दिखा यहाँ पे, गिराओने गिराओने बेटा, टिश्यू पेपर रख लो ना, है तो टिश्यू पेपर मल का दिया है, चिकन चावल दिया है। वही तो चलिए देखते हैं खाते हैं कैसा हुआ क्या है पता नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है, बिरयानी जैसा नहीं है, बिरयानी जैसा नहीं है ना। क्या ही बोलो, चलिए ले लिए हैं तो खाएंगे।
बिरयानी लग नहीं रहा, लग रहा है कि बस फ्राई किया हुआ चावल है। डाल दीजिए, देखिए एक जूस दिए हैं उसके संग खा के कैसा लगता है। जूस यार, ग्रेवी है। वही ग्रेवी जूस कुछ नहीं बोल सकते। बिरयानी बिरयानी बोल के यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल ये लग रहा है ना कि मतलब फ्राई किया हुआ चावल है। स्वाद ठीक ही ठाक है, खराब भी नहीं बोल सकते। तो मैं नहीं खाई, दो चम्मच ही खाई। आ रहे उसके पापा खा रहे हैं। देखती हूँ मैं कुछ लूँगी या फिर क्या करती हूँ पता नहीं। शौक से बोली थी ऑनलाइन से एक बार देखूँ, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट क्या करूँ बोल नहीं सकते। चलो खा लो, आ रहे हैं तुम, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ करेंगे तो दिखाएंगे। चलिए, बिरयानी तो अच्छा लगा नहीं, क्या ही मैं बोलूँ। जब से हम लोग गए थे सोचे थे पूजा की जगह, वहाँ पे तो नॉनवेज खाते नहीं। वैसे भी मन भी नहीं कर रहा था, सच बोले तो पूजा की जगह जाइए ना तो मन करता भी नहीं है। तो वही मैं बोली आर्यन के पापा से, करिए वही बिरयानी, थोड़ा मन कर रहा है। बट ठीक था, ख़राब भी नहीं बोल सकते। बस वो लग रहा था कि फ्राइड राइस है। स्वाद ख़राब भी नहीं था कि मतलब हम बोले कि हाँ बहुत ख़राब है, नहीं अच्छा ही था। बट मैं वही 2-3 चम्मच खाई, आर्यन और आर्यन के पापा खा लिए हैं। तब तक आप लोग रास्ता इंजॉय करो, उसके बाद देखते हैं कुछ दिखाने को हो तो दिखाएँगे, नहीं तो हम लोग हावड़ा स्टेशन आता है उतरेंगे तब इस वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहिए, देखते हैं। आर्यन 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 कान में आर्यन आर्यन नहीं, हेडफोन को सुनाई नहीं दे रहा तुमको, क्या हुआ? तो यहाँ देख सकते हैं बारिश जैसा मौसम, और बारिश हो भी रहा है हल्का, इसलिए और थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। तो और यहाँ पे देख सकते हैं मैं सोई हुई थी, और आर्यन के पापा वीडियो बना लिए, और बना लिए तो ठीक है, और मैं डाल भी दी तो क्या ही करूँ। थोड़ा सा आप लोग हंस लो मुझे देख के, अगर हंसी आ रहा होगा तो रोकना मत, हंसी लेना, क्योंकि मुझे तो खुद का ये देख के सोया हुआ हंसी आ ही रहा है। और यहाँ पे आर्यन को देख सकते हैं, बोर हो चुका है, मतलब बोल रहा मम्मी कब घर पहुँचे और कब हम थोड़ा सबसे मिले, मैंने अपने दोस्त यारों से। तो अभी बस जस्ट हम लोग अब पहुँच भी जाएंगे, और वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आप सोच रही हूँ ना घर जाके मैं इस वीडियो करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, आप लोग बने रहो कंटिन्यू। तो बस पहुँचने ही वाले हैं, चलिए अब उतरने का टाइम आ चुका है, सब उतर रहे हैं धीरे धीरे। बाहर भीड़ भी है चढ़ने के लिए, चलिए बाहर निकलते हैं। स्मेल तो इतना करता है, निकलो निकलो जल्दी। फैमिली फैमिली में आ चुकी हूँ, और आके मैं फर्स्ट क्लास नहा ली हूँ। सोची मैं नहीं नहाऊँ बट नहा ली, क्योंकि ट्रेन से आने के बाद ना सोचती हूँ थोड़ा नहा ली तो मन फ्रेश भी लग रहा है। सुबह नहाई थी मैं होटल में, बट फिर भी नहा लिया तो। और वैसे भी जो कपड़ा पहन के आई ना वो धोना था, तो धो भी ली, और बहुत सारा कपड़ा है ही तो धीरे धीरे धोऊंगी। तो फाइनली मैंने जो ट्रेन में खाना ऑर्डर किया था ठीक था, ख़राब भी नहीं बोल सकते, बट वो बिरयानी नहीं बोल सकते। जैसे कि वो मैंने हांडी बिरयानी करके वो ये किया था, बुक किया था, बट वो हांडी बिरयानी तो था नहीं, वो जो होता है ना चिकन फ्राइड राइस वही था। तो ठीक है, अब क्या बोलूँ, जब वो चिकन अगर आपको वो फ्राइड राइस टाइप का ही बेचना है तो वही बोल के बेचना चाहिए था। ये हांडी बिरयानी वगैरह का नाम क्यों ही ले लेते हैं लोग, तो कुछ बोल नहीं सकती। उतना मुझे नॉलेज नहीं है ऑनलाइन मतलब ऑर्डर फूड के बारे में। ऐसे घर में तो पिज़्ज़ा वगैरह KFC वगैरह मंगाई हूँ, बट ये बिरयानी वगैरह मैं नहीं मंगाई हूँ, भाई ही मंगाता था। बट वो भाई अभी अपने वहाँ घर पे मंगाता भी है, तो वहाँ से मंगाता है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का, उस रेस्टोरेंट का नाम है सिप एंड बाइट। मैं आर्यन से भी पूछी तो बताई, तो वहाँ से भाई मंगाता है, तो फर्स्ट क्लास अच्छा ही लगता है जैसे शॉप में मिलता है। बट ऑनलाइन फूड का क्या ही बोलूँ।
और मेरा जर्नी में क्या खर्च हुआ, मैं कैसे गई, मेरा ट्रेन का कितना लगा, फिर वहाँ होटल में कितना लगा, मेरा ए टू जेड कितना खर्च हुआ है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूँगी पूरा, क्योंकि मुझे हर वो चीज़ जानना है। टिकट के बारे में मुझे नहीं पता, होटल एक होटल का तो पता है जो 500 लिया, ये दूसरे वाला का कितना लगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं सब आर्यन के पापा से पूछूंगी और पूरा लिस्ट बना लूंगी, फिर मैं आप लोगों को अच्छा से बता दूंगी, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है अभी कहाँ कहाँ कैसे खर्चा हुआ है, मैं पूरा डिटेल जान लूंगी उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोगों को भी जाने में आसानी होगा और कम खर्च में भी कहीं भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है या फिर सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पैसा भी है जिसके पास वो भी जा सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी जा सकते हैं, तो यही है। तो चलिए अभी मैं तो आ गई हूँ और आर्यन के पापा भी जस्ट हम लोग तो आ गए थे और वो बोले कि तुम लोग जाओ हम आते हैं, तो वो बिरयानी लेके आए हैं, तो चलिए खा लेते हैं। और वो कहाँ से लाए नहीं लाए सोची मैं बताऊँ, लेकिन अभी नहीं, वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो चलिए जाते हैं खाने। चलिए, तो अगर ये ट्रेन का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं अपडेट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।